हेलो दोस्तों, आर के नर्सिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम एक डिजीज़ लेके आए हैं जिसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, जिसका नाम है रेनोड फिनोमिना। रेनोड फिनोमिना के हम बारे में हम बात करेंगे, उसकी एटियोलॉजी को, जो उसके क्या नाम है, रेनोड डिजीज़, रेनोड सिंड्रोम के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने कल एक डिजीज़ पढ़ाई थी जिसका नाम था SLE, सिस्टेमिक ल्यूपर एरिथ्रोमेटोसिस था। उसके बारे में मैंने आपको डिजीज़ को बताया और उसके जो नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए, जिससे आप हमारे उस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम लिंक है उसमें जाके आप उस नोट्स को देख सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आगे हम बात करें रेनोड फिनोमिना के बारे में। रेनोड फिनोमिना क्या होता है? ये एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है। इसके अंदर क्या होता है? वैसोस्पान वाली कंडीशन देखने को मिलती है, वैस्कुलर डिसऑर्डर होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें, एटियोलॉजी क्या हो सकती है इसकी? इट इज ए वैस्कुलर डिजीज। इसकी एटियोलॉजी के बारे में हम बात करें, क्या एटियोलॉजी हो सकती है इसकी? एटियोलॉजी के बारे में बात करें तो इसकी एटियोलॉजी हो सकती है कि जो सर्दियों के टाइम पे जो या ठंडे बर्फीले इलाकों के अंदर जो फिंगर्स के ऊपर और इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, उसके बाद स्ट्रेस की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्ट्रेस एंड टेम्परेचर कूल, ठंडी टेम्परेचर की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हम बात करें ये इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? क्लिनिकल फीचर, दोस्तों इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में हम बात करें, ये डिजीज़ क्या होती है? ये हैंड के अंदर देखने को मिलती है, डिजिट्स में होने वाली प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो पेन देखने को मिल सकता है, स्किन इज पैलर देखने को मिल सकती है, फिंगर्स का कलर चेंज हो जाएगा, पैली कलर एंड येलो कलर की देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें इसकी, ये साइनोसिस देखने को मिलेगा, साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, फिंगर्स ब्लू कलर की देखने को मिलेगी, इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी फिंगर्स के अंदर। और आगे हम बात करें तो हाइपर एमिया, रेड कलर की फिंगर्स भी देखने को मिल सकती है। इसके अंदर क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी फिंगर्स के अंदर, जिसकी वजह से फिंगर्स रेड कलर की देखने को मिल सकती है। तो आगे हम बात करें दोस्तों, इसके कितने टाइप हैं, कौन कौन से टाइप हैं, किस टाइप से कौन सी डिजीज़, कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलता है? दोस्तों, ये दो टाइप्स, एक फर्स्ट प्राइमरी रेनोड फिनोमिना एंड सेकेंडरी रेनोड फिनोमिना, ये कंडीशंस देखने को मिलती है। इसके अंदर जो प्राइमरी रेनोड फिनोमिना है, इसको हम बोल सकते हैं रेनोड डिजीज। ये दोस्तों लेस सीवियर कंडीशन होती है, इसके अंदर ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती है, इसके अंदर बहुत कम जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल सकती है, बहुत कम इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और सेकेंड रेनोड फिनोमिना के अंदर रेनोड सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, बात करें हम आगे इनके बारे में, जो रेनोड डिजीज़ है उसके बारे में बात करें, रेनोड डिजीज़ क्या होती है? तो दोस्तों, बात करें रेनोड डिजीज़ क्या होती है, रेनोड डिजीज़, रेनोड डिजीज़ के बारे में हम बात करें, इसको बोल सकते हैं प्राइमरी रेनोड फिनोमिना, प्राइमरी रेनोड फिनोमिना इसकी बात करें हम। इसके अंदर क्या होता है, लेस सीवियर कंडीशन होती है, एक तो ये लेस सीवियर कंडीशन, और इसके अंदर क्या होता है, बेजो स्पाज्म बहुत कम देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो
प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम बात करें इसके अंदर जो फिंगर इन्वॉल्व होती है, थंब इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये मोस्ट कॉमनली फिंगर आर इन्वॉल्व एंड एक्सेप्ट थंब, ये कंडीशन फिंगर्स के अंदर ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों बात करें ये मोस्ट कॉमनली फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है, लेस देन 30 ईयर यंगर एज की जो फीमेल्स होती है उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। आगे हम बात करें एक रेनॉल्ड्स सिंड्रोम के बारे में, रेनॉल्ड सिंड्रोम या फिर सेकेंडरी रेनॉल्ड फिनोमिना, इसके बारे में हम बात करें दोस्तों ये मोर सीवियर कंडीशन होती है और इसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो मोर सीवियर कंडीशन इन्फ्लामेशन एंड इसके अंदर इस्चेमिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, जो फिंगर्स है और थंब है इनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जो फिंगर्स हैं वो फिंगर एंड थंब जो पेली और रेड एंड साइनोसिस देखने को मिलता है, पेन बहुत कॉमनली पेन सीवियर पेन देखने को मिलता है इसके अंदर सीवियर पेन, सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा एंड साइन ऑफ ल्यूपस, ये कंडीशन है जो स्क्लेरोडर्मा एंड ल्यूपस का साइन है। इसके बारे में हम बात करें मोस्ट कॉमनली ये बहुत सीवियर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, इसके अंदर गैंग्रीन भी देखने को मिल सकती है, गैंग्रीन ये बहुत सीवियर कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में देखने को ठंडे इलाके वाली जगहों पर हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर की वजह से भी देखने को मिलती है, नॉर्मली किसी के भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये स्किन की प्रॉब्लम है। तो इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हम फिजिकली एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, वेजो स्पाज्म वाली कंडीशन हो जाती है। आगे बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक एंड एंटीजी टैबलेट्स दी जाती है। और आगे हम बात करें इसके जो नर्सिंग केयर के बारे में, नर्सिंग केयर के बारे में बात करें तो पेशेंट को बोलेगी गर्म ठंडे वाली जगहों पर थोड़ा वार्म वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे हाथों में ग्लव्स वगैरह पहने और कैप वगैरह पहने, शरीर को अच्छी तरीके से गर्म कपड़ों से ढकें जिससे ये कंडीशन ज़्यादा ना हो। डियर द ग्लव्स इसके अंदर एक अगर ज़्यादा ये कंडीशन बढ़ जाती है, अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो इसके अंदर एक हम जो मैनेजमेंट है उसके अंदर एक इंजेक्शन देते हैं सीवियर कंडीशन के अंदर एंड गैंग्रीन हो गई तो अगर इन कंडीशंस के अंदर हम एक इसके अंदर इंजेक्शन देते हैं प्रोस्टासाइक्लिन इंजेक्शन, ये गैंग्रीन को ट्रीट करने में हेल्प करता है एंड वेसो स्पाज्म वाली कंडीशन को ट्रीट करता है। तो दोस्तों ये एक मोस्ट कॉमनली सीवियर कंडीशन है, ये किसी में भी देखने को मिल सकती है और ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसा कि आपको पता है, और वैस्कुलर कंडीशंस की वजह से ये देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके जो नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उसको आप खोलें और आपको वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।